गाइस, आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि फ्रैंकलिन, पिंचन और चॉप तीनों गरीब हो जाते हैं और एक फैक्ट्री में पत्थर तोड़ने की काम करने लगते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि यह फैक्ट्री सिंचेन का था। सिंचेन इन तीनों को गरीब करने के लिए फैक्ट्री से निकाल देता है और पैसे तक नहीं देता है। फिर फ्रैंकलिन को दो आदमी मिलते हैं जो उसकी ईमानदारी देख करके उसको अपने मालिक के पास एरोप्लेन साफ करने की नौकरी देता है। अपनी गरीबी दूर करने के लिए पिंचन बहुत ही मेहनत से एरोप्लेन साफ करने लगता है। तभी फ्रैंकलिन को पता चलता है कि यह बंगलो भी सिंचेन का ही है और सिंचेन इन तीनों को फिर से नौकरी से बाहर कर देता है और फ्रैंकलिन, पिंचन और चॉप गरीबों की बस्ती में चले जाते हैं, जहाँ पे ना ही उनका घर होता है और ना ही खाने के लिए रोटी। अब देखिए आगे। अबे यार फ्रैंकलिन, तुम लोग यार घोड़े बेच करके सो रहे हो क्या? उठ जाओ ना यार। अबे यार चॉप, सोने भी नहीं देता यार तू भी सो जाना यार, अभी रात के 12 बज रहे हैं। अबे यार फ्रैंकलिन, तेरा क्या है भाई? मैं कुत्ता हूँ कुत्ता, अगर शेर आ गई ना तो मेरी हड्डियाँ भी खा जाएगा वो। अरे यार गाइस, देख सकते हो यार, पिंचन और यार फ्रैंकलिन भैया कितनी आसानी से सो गए हैं। भाई मेरे को बहुत जोर की डर लग रही है यार, कहीं शेर करके मेरे को खा ना जाए, इसलिए यार मैं रात भर जगता हूँ। ये लोग तो यार घोड़े बेच करके सो रहे हैं। भाई मेरे को 4 दिनों से भूख लगी है, ये फ्रैंकलिन यार बेकार का मालिक है, मेरे को कुछ भी नहीं खिलाता। अरे यार गाइस, कितनी प्रॉब्लम हो रही है यार, मैं 4 दिनों से ना ही खाया हूँ और ना ही सोया हूँ यार, मैंने 1000 बार बोला था। अबे फ्रैंकलिन, तू यार सिंचेन के ऊपर बिलीव मत कर, वो धोखेबाज है धोखेबाज, लेकिन यार इसने नहीं समझा और यार फ्रैंकलिन ने इनको अपने पास रख लिया, उसने यार धोखा दे दिया हम लोगों को, हम लोग यार फिर से गरीब हो चुके हैं। अरे यार गाइस प्लीज यार, आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करो, जल्दी से यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अबे फ्रैंकलिन, सुबह हो गई, चल यार उठ जा, बाहर में यार कोई अमीर आदमी आया होगा गरीबों की मदद करने के लिए, हम लोग भी यार पैसे मांगेंगे उससे, कल तो यार सिंचेन ने हम लोगों को नहीं दिया। अबे पिंचन उठ जा। अरे यार चॉप, रुक जाना यार, उठ रहा हूँ मैं। अबे यार चॉप, अपने तो यार तू रात में सोता नहीं है और यार दूसरों को भी सोने नहीं देता, उठ रहा हूँ यार, वैसे तो यार सुबह हो गई है। अबे यार फ्रैंकलिन, कुछ खाना खिला देना यार, 4 दिन हो चुके हैं, अब तक यार कुछ भी नहीं खाया। अबे यार चॉप, 4 दिनों से मैं भी तो भूखा हूँ और पिंचन भी तो कुछ भी नहीं खाया, तो यार मैं तेरे को कहाँ से खिलाऊं? सिंचन ने जिस तरह से हम लोगों को धोखा दिया है ना भाई, उससे तो हम लोग यार बहुत ही बुरी तरह से गरीब हुए हैं, कोई भी यार हम लोगों की मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। यार देख रहे हो कितनी अच्छी मौसम है, काश यार हम लोग घूमने के लिए जाते, लेकिन यार ना ही पैसे हैं और ना ही खाने के लिए कुछ। अबे यार फ्रैंकलिन, चल ना यार सिंचेन से ही कुछ मांगते हैं, वो यार जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा हम लोगों को। अरे यार चॉप, तू अपनी मुंह बंद कर वरना तेरा भी मुंह तोड़ दूंगा मैं, सिंचेन भैया धोखेबाज है, उसके पास नहीं जाना है हम लोगों को। ला 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 ला। अरे यार मैं डॉन हूँ डॉन, मेरे ऊपर गन क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारा जो मालिक है ना बिग माफिया, उससे भी बड़ा डॉन बनूंगा मैं, ये बुड्ढा तो आज ना कल तो टपक ही जाएगा। अरे अंकल, पैसे छापने वाली मशीन किधर छुपा करके रखे हो? मुझे दिखाओ, मुझे बहुत सारे पैसे छापने हैं, डायमंड की एरोप्लेन जो खरीदनी है, फ्रैंकलिन, पिंचन और चॉप को जलाना भी तो है, किधर पैसे छापने वाले मशीन रखे हो? बताओ। अरे वाह यार सिंचेन, तुम तो मेरे से भी बड़ा डॉन बनने वाले हो। अरे हाँ अंकल, मैं तो तुमसे भी बड़ा डॉन बनने वाला हूँ, टेंशन मत लो आप। चल मुंह बंद कर, मेरे से बड़ा डॉन बनेगा तू, मैंने तुमको इतनी आसानी से मूर्ख बना दिया जितना मैं कुत्ते को भी नहीं बनाता, मैंने अपना लूटा हुआ खजाना भी मंगवा लिया और तुमसे पैसे छापने वाली मशीन भी, अब चल निकल यहाँ से फुट। तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो बेवकूफ, तुमसे अच्छा तो वो फ्रैंकलिन, पिंचन और चॉप थे। अरे यार अंकल, ये क्या बोल रहे हो यार तुम, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को धोखा दिया ताकि मैं डॉन बन सकूं और आप मेरे को धोखा दे रहे हैं। अरे बोला ना, चल निकल यहाँ से, चल फूट यहाँ से, मुझसे भी बड़ा डॉन बनेगा तू, चल फूट। अरे अंकल, मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि पूरी लाइफ में तेरे को कोई नहीं सिखाया होगा, मेरे को नोट छापने वाली मशीन दे दे चुपचाप से। अरे सिक्योरिटी वाले, इस बच्चे को बाहर फेंको, अरे अगर नहीं
जाता है, इसके सर में गोली मारो। अरे अरे चल निकल यहाँ से, वरना तेरे भेजे में गोली मारूंगा अभी। चल फूट मालिक बोल दिया निकलने के लिए। अरे अंकल मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को धोखा दे करके मैंने तेरे को नोट छापने वाली मशीन दिखाई थी। अरे यार मैं अब क्या करूंगा, फ्रैंकलिन को भी यार धोखा दे दिया, चोप और पिंचन को भी धोखा दे दिया। यार मैं अब क्या करूं, मैं यार किसके साथ रहूंगा अब? अब मेरे पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं बचे। ये बिग माफिया तो यार मेरे को बहुत ही खतरनाक तरीके से धोखा दिया। अरे यार मैं एक काम करता हूँ, चलो यार फ्रैंकलिन भैया के पास ही चलता हूँ। अरे यार किसी भी तरह से एक बार और मनाना होगा यार फ्रैंकलिन भैया को, इस बार यार पक्का मैं किसी भी तरह से उसे धोखा नहीं दूंगा। अरे यार वो मानेंगे तो ना, मेरे ऊपर तो यार वो लोग बिलीव भी नहीं करते हैं। अब एक बार यार मैं किसी भी तरह से उन लोगों को मना लूं, फिर यार मैं सच्ची बता रहा हूँ कभी भी यार धोखा नहीं दूंगा। मेरा यार सब कुछ लूट चुका है, मुझे यार सब कोई मिलकर धोखा दिया। अरे फ्रैंकलिन भैया किधर हो यार तुम लोग? अरे यार इसी गरीबों वाली बस्ती में फ्रैंकलिन भैया कल थे, जब यार मैं बहुत सारे पैसे बांट रहा था। अरे यार कोई पैसे भी तो दे दो यार मेरे को। अरे यार कोई कुछ नहीं बोल रहा, लगता है यार इधर होंगे फ्रैंकलिन भैया वो टूटी वाली घर में। अरे यार फ्रैंकलिन भैया किधर हो यार तुम लोग? अरे यार यहाँ पे है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया सॉरी यार सॉरी, मेरे को माफ कर दो यार। अबे सिंचन तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चल निकल यहाँ से, हम लोग गरीब ही ठीक है लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया वो बिग माफिया यार मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने यार नोट छापने वाली मशीन भी रख ली और यार मेरे को लात मार करके घर से निकाल दिया। प्लीज यार तुम मेरे को अपने साथ रख लो। अबे फ्रैंकलिन अब की बार दोबारा गलती मत करना, तू इसे नहीं रखना है अपने साथ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया प्लीज यार प्लीज एक बार बन जाओ यार, अब की बार एक भी धोखा नहीं दूंगा। प्लीज यार मेरी बातों पर विश्वास करो तुम। अबे यार पिंचन तू तो यार मान जा, तू तो यार मेरा भाई है ना। अरे यार अपने साथ रहने देना तुम लोग। अरे क्या बोला, तू मेरा भाई है और तू मेरे पास रहेगा, चल निकल यहाँ से। तेरी ऐसी की तैसी, कल मैंने ही तेरे से भीख मांगी थी ना, नहीं दिया था ना, ले बेटा आज मैं जाता हूँ। अबे फ्रैंकलिन भैया अगर तूने इसको अपने साथ रखी ना तो मैं तेरे को ही कुटाई कर दूंगा। अबे चोप तू भी नहीं रखना इसको अपने साथ, समझा ना? अरे यार पिंचेन मार ले यार, लेकिन अपने पास रहने दे तू। तेरे जैसे धोखेबाज को अपने पास रखूं? अबे यार पिंचेन मार इसे मार, इससे बड़ा धोखेबाज आज मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी, इसकी खोपड़ी फोड़ दे। अरे हाँ यार चोप, इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है, इसके वजह से हम लोग सब कोई गरीब हो चुके हैं। अरे यार पिंचेन मार ले यार, जितना भी मारना है मार ले, लेकिन यार मैं कसम बता रहा हूँ अब की बार मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगा यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बोलना यार ये छोड़ देगा मेरे को, मैं यार अब की बार धोखा नहीं दूंगा। प्लीज यार तुम लोग मेरे को अपने साथ रख ले। अबे यार पिंचेन छोड़ दे यार छोड़ दे, प्लीज यार छोड़ दे, तूने यार बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी कुटाई की है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं तो इसका खून पी जाऊंगा, इसके वजह से हम लोग रोड पर आ गए, भीख मांगने पे उतर गए यार। अबे यार पिंचेन एक बार यार लास्ट बार माफ कर देते हैं सिंचेन को, अपने पास रख लेते हैं यार, मुझे पक्का विश्वास है इस बार यार धोखा नहीं देगा वो। अबे सिंचेन धोखा देगा क्या यार तुम? अरे यार फ्रैंकलिन भैया मेरे बातों पे बिलीव करो यार तुम, मैं यार पक्का तुम लोगों को अब की बार धोखा नहीं दूंगा। मैं यार पिंचेन और चोप से भी अच्छा दोस्त बनूंगा यार तेरा, सच बता रहा हूँ यार। अबे यार फ्रैंकलिन एक बार माफ कर दे, मैं बोल रहा हूँ यार तेरे को। अबे यार पिंचेन तू भी यार एक बार माफ कर दे यार सिंचेन के बच्चे को। अरे यार चोप आज मेरे को पता चल गया यार कि अपने ही सब कुछ होते हैं, और यार पिंचेन चोप और फ्रैंकलिन भैया ही मेरे अपने हैं, कोई भी अपना ही नहीं है यार, सब धोखेबाज होते हैं। मैंने यार तुम लोगों के साथ में धोखा करके बहुत ही खराब किया, मुझे यार बहुत ही बुरा लग रहा है, सॉरी यार सॉरी। ठीक है हम लोग तीनों मान गए हैं, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया थैंक यू यार थैंक यू, एक और काम कर दे यार। अब तेरी कौन सी काम रह गई है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया तुम यार बहुत ही ज्यादा बहादुर हो यार, बिग माफिया को अब सबक सिखानी है। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन ये सिंचेन का बच्चा ठीक ही बोल रहा है, बिग माफिया से बदला लेना तो बनता है यार, उसके पास हमारे नोट छापने वाली मशीन भी तो है और सारा खजाना जो हम लोगों ने लूटा था वो भी तो ले लिया। अबे हाँ यार चोप मुझे वो दिन भी याद है जब उसने मेरे को घुटने में बैठा करके सभी लोगों के सामने इंसल्ट की थी।
भाई साहब उससे तो बदला लेना बनता है। चल आ जा आज मैं उसे सिखाऊंगा कि हम लोग चारों क्या हैं। अगर हम लोग चारों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। अबे यार फ्रैंकलिन हम लोग लड़ेंगे कैसे यार, हम लोगों के पास में तो हथियार तक नहीं है। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, और बिग माफिया के पास में तो यार काफी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, वो लोग के पास में गन है यार गन। अबे सिंचेन तू टेंशन मत ले, उसके पास में गन है ना, तो भाई अपन लोग के पास में रॉकेट लॉन्चर है रॉकेट लॉन्चर। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे है यार रॉकेट लॉन्चर, एक चाकू तक नहीं है तेरे पास। अबे यार सिंचेन तू सच में बेवकूफ हो, देख सामने देख एम्युनेशन। अबे यार फ्रैंकलिन लेकिन हम लोगों के पास में तो पैसे ही नहीं है यार। अबे चौप चल दिखाता हूँ कैसे खरीदते हैं गन। अरे आइए सर आइए, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गन, आपको कौन सी लेनी है ये तो बताइए। अरे भाई साहब मेरे को रॉकेट लॉन्चर दे दो और साथ में पेट्रोल का डब्बा भी चाहिए, और ये वाली गन भी दे दो, इसे भी दे दो, सभी के सभी गन दे दो, और साथ में पेट्रोल की डब्बा भी चाहिए मेरे को। हाँ हाँ यही वाली, ये वाली तो मेरे को स्पेशल चाहिए। अबे यार फ्रैंकलिन पेट्रोल का डब्बा क्यों ले रहा है यार तू। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया ये पेट्रोल का डब्बा क्यों ले रहा है यार तू। अरे गाइस अगर आप लोगों को भी जानना है कि ये पेट्रोल का डब्बा मैं क्यों खरीद रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि ये पेट्रोल का डब्बा क्यों खरीद रहा हूँ मैं। अरे भाई मैं तेरे को पैसे नहीं देने वाला। अरे अरे ये क्या बोल रहे तुम। अरे ये देख रहे हो ना लाल टी शर्ट वाले को, ये डॉन है डॉन। अरे अरे नहीं चाहिए मेरे को पैसे, निकल जाओ यार जल्दी से मेरे दुकान से। अरे यार फ्रैंकलिन भैया क्या दिमाग लगाया यार तूने, मेरे को डॉन बता करके उसे डरा दिया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया के पास में बहुत ही ज्यादा दिमाग है यार। अरे हाँ यार पिंचेन मेरे को डॉन बता करके भाई उसे डरा दिया। चल यार सिंचेन कम से कम तू तो नकली डॉन बन गया ना। अरे हाँ यार चुप, आज मेरे को फील हुआ कि मैं यार कम से कम नकली डॉन तो हूँ। अबे यार तुम लोग अपना मुंह बंद करना, अब हम लोग सबको आगे हैं, सब कोई लड़ाई करेगा समझा ना। अब देखते हैं भाई कौन कौन अटैक करता है मेरे ऊपर। अरे यार जैसे ही घुसा वैसे ही यार अटैक चालू कर दिया ये लोग हम लोगों के ऊपर में। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बिग माफिया यार अंदर के तरफ में रहता है यार, यहाँ तो उसके चमचे हैं सिर्फ। अबे फ्रैंकलिन एक को भी नहीं छोड़ना है, सबके सबको मार डालना है, बिग माफिया को भी उड़ा देना है। ठीक है यार चौप तू यार टेंशन मत ले, भाई अपन लोग के पास में रॉकेट लॉन्चर है रॉकेट लॉन्चर, लेकिन यार यहाँ पे एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई साहब यहाँ तो छुप छुप करके गोलियां चला रहे। अरे यार किधर से गोलियां चल रही है यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पीछे देखो यार पीछे। ओ तेरी झाड़ियों में छुप करके गोलियां मार रहे तू, तू बेटा उधर ही रहना। अबे फ्रैंकलिन आगे भी छुप छुप के गोलियां मार रहे तेरे को। अबे चुप रुक जा मुझे बस देखने दे। हाँ हाँ दिख गया अबे ये तो सीढ़ियों के नीचे से छुप के मार रहे थे, लेकिन भाई साहब एक रॉकेट लॉन्चर में एक ही आदमी मरा। ये ले बेटा अब मजा आ गया होगा तुमको। अबे यार सिंचेन पिंचेन तुम लोग यार सबको छुप के रहना, लगता है यार इन लोगों को पता चल गया था कि यार हमला होने वाली है, इसलिए यार ये लोग सबको छिप गए हैं। रुक जा बेटा अब मजा आया ना तेरे को। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बिग माफिया यार अंदर के तरफ में है, यहाँ से दिख रहा है मेरे को, तू यार अंदर के तरफ जा। अरे हाँ यार सिंचेन जा रहा हूँ यार जा रहा हूँ, उसके पाले हुए कुत्ते यार गोलियां चला रहे हैं, मैं यार उसे ढूंढ ढूंढ कर मार रहा हूँ। अरे यार ये तो अभी तक नहीं मरा, अब ये ले गोली खा। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन बिग माफिया अंदर के तरफ मस्ती कर रहा है यार, जल्दी जा तू। ठीक है यार चुप बिग माफिया को बोल दे कि भाई फ्रैंकलिन आ गया है। अबे यार फ्रैंकलिन बिग माफिया को कुछ पता ही नहीं है कि बाहर गोलियां चल रही है। अबे चुप तू टेंशन मत ले, अभी थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाएगा कि इसके घर में कौन आया है। लेकिन यार यहाँ पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, और भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है क्या। अरे फ्रैंकलिन भैया नोट छापने वाले मशीन के पास में है बिग माफिया। अबे पिंचेन तू टेंशन मत ले, नोट छापने वाली मशीन भी अपुन का होगा अभी थोड़ी ही देर में। किधर है किधर है। ओ भाई यहाँ तो चार पांच मिल करके मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जा बेटा एक एक को टपकाऊंगा मैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बिग माफिया तेरे बहुत ही करीब है, तू यार राइट साइड देखना बिग माफिया है यार वहाँ पे। अबे यार फ्रैंकलिन बिग माफिया यार कानों में हेडफोन डाल करके नाच रहा है। अरे यार तू उसे जल्दी से टपका, उसे कुछ पता ही नहीं है कि उसके घर में गोलियां चल रही है। अबे हाँ यार चुप, मैं यार बिग माफिया को देख लिया हूँ, लेकिन यार इसके आमने सामने इसके सिक्योरिटी वाले गार्ड होंगे, मैं यार उन लोगों को खत्म करके इससे भी टपकाऊंगा। रुक यार देखने दे देखने दे। अबे यार फ्रैंकलिन तूने देखा बिग माफिया के पास में यार हम लोगों की नोट छापने वाली मशीन थी। अबे हाँ यार चुप मैंने भी देखा। रुक यार यहाँ पे दो सिक्योरिटी वाले गार्ड है, मैंने यार एक को टपका दिया और दूसरे को भी मार दिया है। अरे यार
यार फ्रैंकलिन भैया, जल्दी से बिग माफिया को मारो ना यार, तुम कितना लेट कर रहे हो यार। अबे हाँ यार सिंचेन, मैं यार उसे अच्छी वाली गाना सुनाता हूँ, रुक जा। ये देखो बिग माफिया, इसको तो मैं इतनी गोलियां मारूंगा ना। अरे बचाओ, कोई गोली मारा मेरे को। अबे फ्रैंकलिन, बिग माफिया नहीं मरा है यार, उसे एक गोली और मार, उसके मुंडी में मार, मुंडी में। ठीक है यार चोप, लेकिन भाई साहब एक सिक्योरिटी वाले बच गया था, मैंने यार उसे भी टपका दिया। हाँ, उसे भी टपका दिया। और भाई साहब बिग माफिया को इतनी अच्छी गाना सुनाया ना कि पूछो ही मत। और यार ये तो टपक चुका है, लेकिन यार मैं इसे एक और गोली मार देता हूँ। अरे भाई साहब, ये तो पैर यार अभी भी ऊपर कर रहा था। अबे चुप, तुम लोग आ जाओ, मैंने सबको मार दिया है। अबे फ्रैंकलिन, आज तो यार तूने कमाल कर दिया कमाल, एक भी गोली नहीं खाई और यार पूरे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया को तूने खत्म कर दिया। आज से यार लॉस सैंटोस पूरा सुरक्षित है, समझो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ये सभी नोट छापने वाली मशीन को यार अपने घर लेकर के चलो भाई, आज से हम लोग राजा बन गए राजा। अबे फ्रैंकलिन, ये सिंचेन फिर से कोई चलाकी तो नहीं ना कर रहा यार। अबे यार चोप, इसकी चलाकी इस बार नहीं चलेगी, तू मशीन लेके तो चल घर। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मेरे ऊपर तुम लोग यार बिलीव करो, मैं यार कसम बता रहा हूँ तुम लोगों को यार, अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा यार, मैं तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो ठीक है यार सिंचेन, तुम लोग यार मशीन लेकर के ऊपर आओ। अबे यार फ्रैंकलिन, मशीन छत पर क्यों लाने के लिए बोला यार, यहाँ पे रखेंगे तो कोई भी चोरी कर लेगा ना। अबे यार चोप, तुम मशीन लेकर के ऊपर तो आओ, उसके बाद बताता हूँ कि मशीन के साथ करना क्या है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, क्या करना चाहते हो यार मशीन के साथ में तुम? भाई साहब, इसी मशीन के वजह से हम लोग चारों कितने दिनों से लड़ाई कर रहे हैं। तू डॉन बनना चाहता था, वो दादा बनना चाहता था, हम लोग गरीब बन गए। इस मशीन को यार मैं नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझ में आया तुम लोगों को कि मैं पेट्रोल का डब्बा क्यों खरीदा था? ताकि ये मशीन को मैं जला सकूं। ये पैसे छापने वाली मशीन ही हम चारों को आपस में लड़ाती है, क्योंकि पैसा बहुत ही खराब चीज है। पैसे आने के बाद सब कोई लालच में पड़ जाता है। अबे यार फ्रैंकलिन, तू ठीक ही बोला यार, इसी मशीन के वजह से हम लोग चारों आपस में लड़ाई कर रहे थे। अगर ये मशीन ही नहीं रहेगा तो भाई हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहेंगे यार पहले की जैसा। यार हम लोग पहले कितना अच्छा रहते थे ना, घूमने जाते थे यार, गाड़ियाँ चोरी करने के लिए जाते थे। अब यार ये मशीन के वजह से हम लोग यार कितना ज्यादा लड़ाई कर लिए। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, चोप ठीक ही बोल रहा है यार, इस पैसे छापने की मशीन के वजह से हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा लड़ाई किया। तुम लोग यार मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं करते हो, ये मशीन ही नहीं रहेगा तो यार हमको अब टेंशन नहीं होगी। तुम लोग यार सब कोई मेरे ऊपर बिलीव करोगे यार, जला दो यार, जला दो इसे। अरे हाँ यार सिंचेन, ये देखो भाई, मैंने इसके ऊपर आग लगा दी, लेकिन यार ये आग से नहीं जलेगी, इसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ाना होगा। अबे फ्रैंकलिन, इसके नामो निशान भी नहीं रहने होंगे, इतनी बार रॉकेट लॉन्चर तू फायर कर। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, इसको पूरी तरह से खत्म कर दे, यही पैसे छापने वाली मशीन हम लोगों को लड़ाई कराता था, तूने यार बहुत ही अच्छा काम किया। तो गाइस, हमने फाइनली पैसे छापने वाली मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि पैसों के लालच में आकर के सिंचेन हम लोगों से अलग हो गया था। कुछ दिन तक चोप भी अलग रहा था और पिंचेन भी, और मेरे साथ में बहुत ही बुरा हुआ था, ये पैसों की वजह से ही हुआ था। गाइस, ये पैसे छापने वाली मशीन को अब हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, और अब हम लोग चारों आपस में मिल करके एक ही घर में रहेंगे। अब हम लोगों को ज्यादा पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यार पहले जैसा ही लाइफ गुजारना चाहते हैं। अगर आप लोगों को यह बात अच्छी लगी तो नीचे यार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम लोगों को साथ में मिलकर रहना चाहिए या फिर सबको पैसे की लालच में अलग अलग। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ में यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।